नमस्कार स्टूडेंट आज हम आपको ज्योग्राफी में इनिशियल ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हुई ज्योग्राफी कहाँ से कैसे यूज हुआ ये सब चीज़ें बताएंगे चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं <coughs> ज्योग्राफी ज्योग्राफी मतलब भूगोल अब कुछ चीज़ें मूलभूत होती हैं जैसे अगर हम बात करें भूगोल के पिता में कौन थे दूसरी बात करें कि भूगोल शब्द को सबसे पहले यूज किसने किया तो ये सब चीज़ें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो एक वैज्ञानिक कहिए वैज्ञानिक हुए थे हिकेटियस क्या नाम था हिकेटियस हिकेटियस इनको फादर ऑफ जोग्राफी कहा जाता है भूगोल का पिता में अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने जो है भूगोल में बहुत खोज की होंगी बहुत रचनाएं की होंगी ऐसा कुछ भी नहीं था इनको जो भूगोल का पिता में कहा गया वो कहा गया कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम मैं आपको बता देता हूँ जेस क्या नाम था पुस्तक बुक जो इन्होंने लिखी वो थी जैसप्रीडियस ठीक है ना जैस प्रीडियस हिंदी अंग्रेजी में लिखना अंतर हो सकता है क्योंकि इंग्लिश में लिखी गई थी जैस प्रीडियस जैसप्रीडियस इन्होंने बुक लिखी उस पुस्तक में इन्होंने क्या किया कि जो उस समय तक की भूगोलिक घटनाएं हुई जो भूगोल में खोजें हुई उनका इन्होंने क्रमबद्ध वर्णन कर दिया अब जब ये क्रमबद्ध वर्णन किया तो इनको ही पिता में कहा गया वास्तव में सबसे पहले भूगोल शब्द का जो इस्तेमाल किया था उस शब्द का जो इस्तेमाल हुआ था वो ग्रीक वैज्ञानिक थे इरेटोस्तनीज आपने नाम सुना होगा कौन इरेटो स्तनीज इरेटो स्तनीज इरेटो स्तनीज हुए और ये इराटो स्तनीज दो ईसा पूर्व से इनका जो काल था दो ईसा पूर्व से एक ईसा पूर्व तक इनका काल था तो इराटो ने सबसे पहले एक ग्रीक विद्वान थे बहुत अच्छे विद्वान थे इन्होंने इराटो शब्द का सबसे पहले सही प्रयोग किया इन्होंने कुछ भूगोल में और भी काम किए जैसे परिधि का सहीमापन यानी पृथ्वी की परिधि का सही मापन इन्होंने बताया इन्होंने निवास योग्य भूमि का मानचित्र बनाया यानी पूरे विश्व में मानचित्र बनाया निवास योग्य जहाँ 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 लोग रहते हैं वहाँ वहाँ उष उस उस भूमि का इन्होंने मानचित्र बनाया तो अब सीधी सी बात ही, कोई व्यक्ति मानचित्र बना रहा है कोई व्यक्ति चीजें कर रहा है तो सीधी सी बात है यानी इन्होंने जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए काम किया मतलब स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे तो इराटो स्त्रीज को भूभौतिकी का जनक कहा गया किसका जनक कहा गया इनको फादर ऑफ कहा गया किसका भूभौतिकी अर्थ फिजिक्स ठीक है ना भूभौतिकी भौ का इनको जनक कहा गया ऐसे ही साइंस अगर ज्योग्राफी में हम बात करें कुछ मैं साइंटिस्ट जो जोग्राफिस्ट हुए हैं उनके नाम ले रहा हूँ एक हुए फेडरिक रेडजेल चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ uh. <coughs> कौन हुए फेडरिक रेटजेल जेल चलिए बात करते हैं फेडरिक रेटजेल जेल कुछ जो वैज्ञानिक थे इनके मैं बता देता हूं फेडरिक रेड जेल फेडरिक रेड जेल को जो है मानव भौतिकी मानव भौतिकी कुछ मानव भूगोल का भी कहते हैं कुछ मानव भौतिकी कह देते हैं मानव भूगोल भौतिकी ठीक है मानव भूगोल का पिता कहा गया है इनको यानी इन्होंने फेडरिक रेड ने क्या काम किया जो इनकी जितनी भी खोजें थी जितना भी इनका अध्ययन था वो सब मानव पर आधारित था इन्होंने जो है एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी ये इनकी बुक थी किसकी बुक थी फेडरिक रेडजल की अब फेडरिक रेडजल ने भी मानव के लिए काम किया इसके बाद हुए अरस्तु अरस्तु ने सबसे पहले हमें बताया कुछ कुछ लिए लेते हैं जिन जिनको शायद आपका एग्जाम पूछता है उनको लिए लेते हैं अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी जो है गोल है गुलाब है और अरस्तु के बाद एक हुए न्यूटन न्यूटन ने न्यूटन को तो आप सब जानते हैं कि न्यूटन कौन थे तो न्यूटन ने बताया कि हाँ भाई पृथ्वी जो है गोल है न्यूटन ने मतलब उसको सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है अब बात करते हैं कुछ चीज़ें और लेकिन देखिए भारतीय वैज्ञानिकों की भी भारतीय साइंटिस्टों की भारतीय जोग्रफिस्टों की बात कर रहे हैं तो उनमें एक नाम हुआ था आर्यभट्ट सुना है ना सबने नाम आर्यभट्ट आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल कहा पृथ्वी की परदी का सही मापन किया और एक और काम किया आर्यभट्ट ने ही चंद्र ग्रहण का सही कारण बताया उन्होंने बताया कि भी जो चंद्र ग्रहण पड़ता है उसका कारण यह है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है तो इस वजह से जो है चंद्र ग्रहण लगता है तो उन्होंने कहा दूसरा हमारे जोग्राफिस्ट और मैथमेटिशियन हुए तिभाकराचार्य तो उन्होंने न्यूटन के जन्म से तेरह सौ वर्ष पहले ही एक पुस्तक लिखी थी सिद्धांत शिरोमणी पुस्तक का नाम क्या था सिद्धांत शिरोमणि अब सिद्धांत श्रोमणी पुस्तक में क्या था भाई सिद्धांत श्रोमणी पुस्तक में इन्होंने जो आपका गुरुत्वाकर्षण है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी व्याख्या कर दी मतलब न्यूटन के जन्म से तेरह सौ वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत श्रोमणी पुस्तक लिखी और बताया कि जो है पूरे ब्रह्मांड में कोई एक शक्ति है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है मतलब गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या सही व्याख्या की तो हमारे भी जैसे जोग्रफिस्ट हुए विश्व में काम होता रहा इसके बाद कुछ चीज़ें और हम आपको एग्जाम प्रोस्पेक्ट्स में लिखवा देते हैं जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व मानचित्र को बनाने वाला अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि इराटो स्त्रनीज ने क्या किया था इराटो स्तनीज ने मानव के निवास योग्य भूमि का मानचित्र बनाया लेकिन जो विश्व मानचित्र आज आप देख रहे हैं पॉलिटिकल व्यू या भौगोलिक स्थिति का ये विश्व मानचित्र को सबसे पहले बनाने का श्रेय किसको जाता है तो इनको जाना श्रेय जाता है एनेक्सी मैंडर को नाम लिखेंगे आप एनेक्सी मेंडर मैं लिख देता हूँ यहाँ एनएक्सी मैन्डर एनएक्सी मैंडर को सबसे पहले जाता है अच्छा दूसरा भारत को विश्व मानचित्र पर दिखाने वाला व्यक्ति कौन था भाई जब मानचित्र बन रहा था तो उसमें भारत को सबसे पहले दिखाया तो भारत को विश्व मानचित्र पर दिखाने वाले थे टॉलमी कौन थे टॉलमी ठीक है ना सभी याद रखते चलेंगे एग्जाम प्रोस्पेक्ट से याद रखेंगे अच्छा बात आती है कि भारत का नक्शा किसने बनाया भारत का मानचित्र किसने बनाया तो भारत का मानचित्र बनाया एना विले ने किसने एना विले ने किसने बनाया एना विले ने अच्छा बात चलते हैं आगे बढ़ाते हैं कि अब बात आती है कि जब ये चीजें लिखी गई प्रीडियस लिखा गया पृथ्वी को गोल कहा गया समय समय पर कोई गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या कर देता है मानचित्र बनने लगे चीज़ें और भी हुई तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि जैसे पूछते हैं कि ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कब से शुरू हुआ तो मान्यता ये है कि ब्रह्मांड का जो नियमित अध्ययन है उसके बाद रेगुलरली ब्रह्मांड को यूनिवर्स को अध्ययन अध्ययन किया गया तो सबसे पहले टॉलमी ने ये किया किसने किया टॉलमी ने उनका मानना था कि भाई देखो पृथ्वी तो सेंटर है यानी मैं इसको मिटा देता हूँ चलिए उन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी तो है सेंटर पृथ्वी मान के चलिए केंद्र में है ये अर्थ है और इसके चारों ओर जो है क्या घूम रहा है सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है सन जो है इसका चक्कर लगा रहा है सूर्य इसके आसपास घूम रहा है पृथ्वी को इन्होंने सेंटर माना ठीक है तो अब इसके बाद भाई पंद्रह सौ तैतालीस में ये तो व्याख्या सर्वाधिक गलत साबित हुई कालातीत में जाकर तो 1543 सौ ईस्वी में आपके यहाँ हुए कॉपर निकस कौन हुए कॉपर निकस कहाँ हुए कॉपरनिक्स कॉपरनिक्स पोलैंड में कहा थे पोलैंड वासी आपके यहाँ हुए कॉपरनिक्स पोलैंड वासी थे कॉपर निकस इन्होंने कहा कि नहीं जी टॉलमी ने जो व्याख्या दी है वो गलत है और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो है मैं इसे मिटा देता हूं उन्होंने कहा इन्होंने उल्टा कहा इन्होंने कहा कि भाई देखो अर्थ तो है वो संतो है सेंटर और अर्थ इसके आसपास घूम रही है और यही व्याख्या आज तक सर्वविदित हुई ठीक है तो बच्चे आज के लिए इतना ही इस वीडियो में रखेंगे और अब हम जो है यूनिवर्स वगैरह डिस्कस करेंगे ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई ब्रह्मांड फैल रहा है शकुड़ रहा है गैलेक्सी क्या क्या है आकाशगंगाएँ क्या है सुपरनोवा ये नोवा न्यूट्रॉन तारा इन सब के बारे में चर्चा करेंगे थैंक यू गुड लक